गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आई एम योर इंग्लिश मेंटर स्वाति त्रिपाठी। चलिए, कैसे आप सभी? आइए अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की क्लास है वो कैप्स की क्लास, और इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी कोई भी वर्ड होता है जो आपका ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन को ही बोलते हैं रूट वर्ड। और रूट वर्ड से पहले जो वर्ड बोलते हैं लगते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को प्रीफिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्री प्री मीन्स पहले, तो प्रीफिक्स हो गया। और रूट वर्ड के बाद जो लगते हैं उनको बोलते हैं सफिक्स। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपका एक वर्ड बनता है, जैसे कि आप देखते हो प्रिस्क्राइब। तो प्री मीन्स पहले और स्क्राइब जो है आपका मेन वर्ड हो जाता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है सब्सक्राइब, जो आप करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और सॉरी आज की क्लास डिले होने के लिए, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस हो गए थे। चलिए आज का अपना वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड हमारा, पहला वर्ड है वॉसीफेरस। वॉसी क्या होता है? वॉसी जो है आपका रिलेटेड होता है वॉइस से, और फेरस जो होता है ये होता है आपका वर्ड। इसका मीन्स होता है किसी चीज़ को जोर देना, टू बियर। टू बियर किसी चीज़ पर अगर आप जब चिल्ला के बोलते हो बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं वॉसी फेरस। मीन्स कॉन्स्पिकसली एंड ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब पता है ना आपको, जब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके कोई बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफेंसिव। लाउड, बहुत ज़्यादा जब हम अपनी बात को रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑफेंसिवली लाउड। गिवन टू द वेहमेंट आउट क्राई, ब्लेटेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। ये इसका सिनोनिम होता है। क्या होता है इसका मतलब? अपनी बात को जब आप बहुत ज़्यादा तेज होके चिल्ला के बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपका वॉसीफेरस बोलते हैं। वॉसी मीन्स वॉइस रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है वोकल। वोकल बोलते ना कि कई बार होता है कि वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई, जैसे लता मंगेशकर है, इनके वोकल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई थी। तो वोकल मीन्स होता है वॉइस रिलेटेड। क्या हो जाएगा इसका मतलब? एक्सप्रेस्ड और कम्युनिकेट। अपनी बात को एक्सप्रेस करना है या कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट आप कैसे करते हो? अपनी बात को कह के कहते हो, वॉइस में कहते हो ना, बाय वॉइस। अपनी बात को आपने कैसे कम्युनिकेट किया? कुछ लोग अपनी बात को चैट पे कहते हैं, मेल करते हैं, कुछ लोग अपनी बातों को लिख के कहते हैं। वोकल में क्या कर रहे हो आप? अपनी बात को कैसे कह रहे हो? वॉइस के थ्रू कह के कह रहे हो। तो आपने वॉइस का यूज़ किया। वॉइस मीन्स वोकल। वोकल कॉर्ड होती है तो उसमें क्या होता है? आवाज़ का ही होता है ना। अटर्ड, अटर्ड क्या हो जाता है इसका सिनोनिम? अटर्ड मतलब कहना, आपने अटर्ड किया, कोई बात को आपने कहा, उसका सिनोनिम हो जाएगा। वोकल मीन्स अपनी बात को कम्युनिकेट करना, कैसे? वॉइस के थ्रू। और वॉसीफेरस मीन्स क्या होता है? जब अपनी बात को बहुत ज़्यादा जोर देके कहते हो, अपनी बात पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, उसको क्या बोलते हैं? वॉसीफोरस। नेक है वोकलाइज। वोकलाइज मीन्स क्या होता है? टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। किसी भी चीज़ को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना। आर्टिकुलेट मीन्स अपनी बातों को अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करके आर्टिस्टिक तरीके से अपनी बातों को कहना, उसको क्या बोलते हैं? वोकलाइज। वोकलिस्ट, वोकलिस्ट IST क्या होता है? IST मीन्स होता है पर्सन। मैंने बताया था जैसे आपका कोई भी वर्ड होता है, आप देख सकते हो इस टाइप के वर्ड, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है? फिले मीन्स लव, और IST लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? पर्सन क्या हो जाता है ना, जो उसमें स्पेशलिस्ट होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? आप पर्सन हु सिंग्स, जो गाना गाता है उसको क्या बोलते हैं? वोकलिस्ट। वोकल से उसने वो वॉइस की, और IST क्या हो गया? उसका वर्ड हो गया, जो पर्सन हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। नेक्स्ट है टिटिलेट। टिटिलेट अपने आप में ही एक रूट वर्ड है। टू कॉज अ प्लेजरेबल स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन मतलब किसी को एक्साइट करना, उत्तेजित करना। मतलब जिस तरह से जैसे लोग करते हैं ना कि टिकलिंग सेंसेशन होना। टिकलिंग सेंसेशन क्या होता है? जैसे किसी को गुदगुदी करना, उसको बोलते हैं टू कॉज अ प्लेजर। अगर आपको प्लेजर हो रहा है उस चीज़ से, स्टिमुलेशन ऑफ द फीलिंग्स, इलेक्ट्रीफाई, किसी को चार्ज करना, उसको क्या बोलते हैं? आपका टिटिलेट। टिकलिंग सेंसेशन, टिकल वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? आपका टिटिलेट। क्या हो जाता है आपका वो वर्ड? टिटिलेट हो जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की तारीफ करना, किसी को एडमायर देना। जैसे एन एडमायरिंग मीन्स किसी की आपने तारीफ की है, प्रेस किया, अपलॉड किया है। पर्सनल रिमार्क, आपने जैसे उसने कुछ भी काम किया तो हम उसके काम के बेस पे उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, कि आज आपने तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, या आज आप बहुत अच्छे से तैयार हो क्या, तो भी बोलते हैं ना कि आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो क्या। अच्छा एक और वर्ड होता है इससे रिलेटेड, लेफ्ट हैंडेड।
लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लास में, लेफ्ट हैंड को लोग नेगेटिव लेते हैं, और कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है किसी की तारीफ करना, उसको रिमार्क देना। लेफ्ट हैंडेड मतलब किसी की तारीफ करना, बट ऐसे तारीफ करना कि वो तारीफ ना हो के क्या हो जाती है, टॉन्ट हो जाती है। जैसे कि आज हमको तारीफ बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही थी, तो क्या बोलते हैं, टॉन्ट। अरे आप तो बहुत, जैसे कुछ होते हैं ना फेलियर्स होते हैं, वो अचानक से पास हो जाते हैं, या लेट कमर्स होते हैं काफ़ी जल्दी आता, अरे आज सूरज पश्चिम से निकला, पश्चिम की जगह पूर्व से निकला है क्या, तो उस टाइप का बोलते हैं ना। तो उस तरह के जो टॉन्ट होते हैं, जो आपकी तारीफ तो कर रहे हैं बट वो आपको टॉन्ट की तरह लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये आपके किस में भी यूज़ होता है, एडियम्स में भी यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडोलेशन, एक्सेसिव एडमायरेशन, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, मतलब उसको खुश करने के लिए, उसको प्लीज करने के लिए, कि एक्सेसिव एडमायरेशन, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो उसके लिए। और डिवोशन टू अ पर्सन, डेफिशिएशन, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब किसी की, किसी को खुश करने के लिए स्पेशली ये वर्ड होता है। एडलेशन मतलब किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना, उसको खुश करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आपका देखते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोस्क्राइब। स्क्राइब मीन्स राइट, लिखना, और प्री मीन्स क्या होता है, प्री मीन्स पहले, प्रिस्क्राइब प्रोस्क्राइब दोनों वर्ड का मीन्स सेम होता है। प्री मीन्स भी होता है, प्री आप वाला प्री नहीं जाएंगे कि फोन प्रो वर्जन है, प्री यहाँ पर प्रो दूसरा है, ठीक है। तो प्री मीन्स क्या होता है, पहले, प्रायर, और स्क्राइब पहले से। डॉक्टर आपको सजेशन देते हैं ना, जब आप उनके पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तो सजेशन देते हैं आपको, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं आपको, ये खाना, ये खाना, ये खाना है, इस टाइप का आपको उन्होंने सजेशन दिया। और प्रोस्क्राइब क्या हो जाता है, वो चीज़ें बोलना जो आपको नहीं करनी है, कि आपको ठंडा नहीं खाना, आपको स्पाइसी नहीं खाना, इस टाइप की चीज़ें, उसको क्या बोलते हैं, टू ऑर्डर नॉट टू डू, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो चीज़ें आपको नहीं करनी, वो चीज़ें आप पर बैन है। और टू बी डन और यूज्ड, बैन मतलब वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो प्रिस्क्राइब क्या हो जाएगा, आपको वो चीज़ें आपको सजेशन में दी जा रही है कि करनी है पहले से, प्री मीन्स पहले, और प्रोस्क्राइब वो भी पहले से बट वो नहीं करनी है। प्रोस्क्राइब का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। बैन मीन्स वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको मना किया गया है कि वो काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्क्राइब। डी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स होता है डाउन, जैसे बोलते हैं ना डीमोटिवेट, मोटिवेट मीन्स किसी को मोटिवेट करना, इनकरेज करना, डीमोटिवेट मतलब किसी को डाउन करना, तो डी मीन्स डाउन। और वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्राइब, स्क्राइब का मतलब क्या होता है, स्क्राइब का मतलब राइट, और डी मीन्स डाउन, तो क्या हो जाएगा, राइट डाउन। कहते हैं ना डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की आपको डेफिनेशन लिखने के लिए डिस्क्राइब वर्ड यूज़ करते हैं, या डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जॉन मिल्टन, इस टाइप का अगर आपको दिया जाता है तो आप क्या करोगे, उनके बारे में राइट डाउन बोलते हैं ना, लिखिए, तो क्या हो जाएगा, टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन, किसी के बारे में रिप्रेजेंटेशन देनी है, और अकाउंट ऑफ इन वर्ड्स डेलिनेट, डिपेक्ट, डिपेक्ट आपका वर्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है सिनोनिम में, तो क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी के बारे में कुछ लिखना, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब, डेलिनेट, डिपेक्ट, डिपेक्ट भी कई बार आपको दे दिया जाता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मीन्स क्या होता है, टू गिव और एक्सप्रेस वंस अप्रूवल, अगर आपने हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज़ को अप्रूवल दे दिया तो आप क्या करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट ये जिनको नीड है इसकी, वो इस वीडियो का फुलफिल तरीके से यूज़ कर सके, और इस वीडियो को लाइक भी बिल्कुल करना आप नहीं भूलेंगे, यही आप एक तरीके से हमारे लिए अप्रूवल कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूर करें आप। तो टू गिव और एक्सप्रेस वन अप्रूवल, सब्सक्राइब क्या हो जाएगा, स्क्राइब मीन्स लिखना, जब आप हमारा हमें अप्रूवल दोगे कि हाँ आपकी क्लास बेटर है, तो क्या हो जाएगी, आपने अप्रूव ही तो किया, उसी लिए तो आपने सब्सक्राइब किया। अगर आप अनसब्सक्राइब कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिसअप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनस्क्रिप्ट। मैनस्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना कई बार हम लोग जाते हैं किसी भी चीज़ का बिल लेने या फीस की स्लिप लेने, तो कहते हैं मैनुअल फॉर्म में मिलेगा क्या। मैनुअल मीन्स क्या होता है, एक होता है डिजिटल फॉर्म, एक होता है मैनुअल। मैनुअल मीन्स होता है रिटन फॉर्म में, बोलते हैं ना रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आपका टाइप्ड भी आ जाता है,
और आपका मैनुअल हैंड रिटन भी होता है. तो मैनुअल मीन्स हैंड रिटन. कहाँ से ये वर्ड बना, इसका रूट क्या है? मैनस. मैनस मीन्स क्या होता है? हैंड, हाथ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग डन बाई हैंड. जब आप कोई चीज़ हाथ से लिखते हो, पहले की चीज़ में अगर आपने जीएस में देखा होगा तो मैनुस्क्रिप्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको जो पुरानी चीज़ों की, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट, उनको कहाँ कहाँ से चीज़ों को मिली है. तो कुछ चीज़ें आपको इंस्क्राइब मिली हैं, कुछ चीज़ें आपको रिटन फॉर्म में लिखी हैं. जिस कई लैंग्वेज ऐसी भी हैं जो पढ़ने में मुश्किल है, जो एलिजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा? मैनुस्क्रिप्ट हो जाता है, जो हाथों से लिखा हुआ है. देखा है ना, कई बार होता है कि हस्तलिखित लिखा रहता, तो वो क्या होता है? मैनुस्क्रिप्ट होता है. ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है SSC, MTS और CHSL के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिप्चर्स. बोलते हैं ना, कई बार हमने महाराष्ट्र गए तो वहाँ पे स्क्रिप्चर्स देखे, तो स्क्रिप्चर्स भी क्या होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं ना. समथिंग रिटन, जो चीज़ें लिखी गई हैं. कई बार आपने देखा होगा ना, पिलर्स में काफ़ी कुछ लिखा होता है, तो क्या हो जाता है? समथिंग रिटन, जो कुछ भी लिखा गया. रिटन क्यों लिखा है यहाँ पे, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका पैसिव वॉइस है. पैसिव में क्या होता है? वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है इंस्क्राइब. इन मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आफ्टर. कुछ चीज़ें ऐसी जो लिखी गई हैं बाद में, जैसे ग्रेव पर लिखी गई है, या कुछ चीज़ें कट करके, जैसे होता है ना उभर के लिखा होता है, उसके लिए होता है टू राइट, इनग्रेव और प्रिंट एज अ लास्टिंग रिकॉर्ड. जो लास्ट रिकॉर्ड होता है ना, कि इस जैसे किसी ग्रेव पे कुछ लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना. हमेशा लास्ट रिकॉर्ड के तौर पर उसको रिकॉर्ड करना. नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट. पोस्ट मीन्स पार्टी पोस्टपोन हो गई है, तो पोस्ट मीन्स बाद में होना. अ नोट अटेंडेड, मतलब किसी के बारे में आपने कुछ पढ़ा, तो जैसे कॉपी उसकी होती है ना, कई बार बुक्स होती है तो कहते हैं इसके साथ ये भी चीज़ है. साथ में हिंदी में आप बोल सकते हो संलग्न, कुछ चीज़ें आपको साथ में दी जाती है, सो दैट आप उसके बारे में ब्रीफ एक बार चीज़ें को पढ़ सको. तो क्या होता है? अ नोट अटेंडेड टू अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर. सिग्नेचर के बाद जो आप एक नोट लिखते हो, वो भी क्या हो जाता है? आपको पोस्ट स्क्रिप्ट होता है. स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद में आपने उसमें शॉर्ट नोट लिख दिया, उस टाइप की चीज़ें. तो स्क्रिप्ट मींस क्या होता है? लिखना. स्क्राइब और स्क्रिप्ट एक रूट वर्ड है जिसका मींस क्या होता है? टू राइट. तो क्या हो जाएगा? मैनुस्क्रिप्ट, हाथ से लिखा हुआ, हैंड रिटन. स्क्रिप्चर्स समथिंग दैट इज रिटन, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं. नेक्स्ट है आपका इंस्क्राइब, जो ग्रेव वगैरह पर लिखा जाता है. और पोस्ट स्क्रिप्ट मीन्स जो बाद में लिखा गया, आपने कुछ लिखा उस पर एक साथ में एक नोट पेस्ट कर दिया जाता है. ये बुक छोटी सी बुक होती है, वो कई बार पेस्ट कर दी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट. नेक्स्ट वर्ड ऑब्वियस. ऑब्वियस मीन्स कई बार बोलते हैं ना, ऑब्वियस ही बात है, हम तो ऐसा करेंगे ही, ऑब्वियस ही बात है. तो ऑब्वियस जो वर्ड है आपका किससे बना? रूट वर्ड है वाया. वाया मीन्स क्या होता है? रोड. जब आप कहीं से आते हो जाते हो ना, कि फ्लाइट यहाँ से जाएगी, वाया होके जाएगी, ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है ना रेलवे स्टेशन पर, ईजली डिस्कवर, जिसको बहुत जल्दी से डिस्कवर कर सकते हो, जल्दी से खो सकते हो. सीन, देखा हुआ है, या फिर अंडरस्टूड, जो आपको समझ में आता है. बोलते ना ऑब्वियस ही बात है, तो कहेंगे समझ में आया ना, आपने उसको देखा होगा, आप वहाँ जाओगे, ऑब्वियस ही बात है, उसी रास्ते से जाएंगे. मीन्स वो रास्ता मेरा देखा हुआ है, या फिर आपने बहुत जल्दी उसको डिस्कवर कर लिया. तो ऑब्वियस कहाँ से बना है? वाया से बना है. नेक्स्ट देखते ट्राइवल. ट्राइवल जो है आपका वर्ड बना है ट्राई. ट्राई मीन्स थ्री और वाया मीन्स रोड. जब थ्री रोड होती है तो वो अच्छी पॉजिटिव नहीं ली जाती है ना, फोर रोड बोली जाती है, पॉजिटिव होती है. तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ लिटिल वर्थ, जिस जो बहुत ज़्यादा वर्थ नहीं, वर्थफुल नहीं होता. वर्थ मीन्स होता है एक तरह से योग्य बोल सकते हैं, कैपेबल बोल सकते हैं, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज़रा सी इंपॉर्टेंस, उसको बोलते हैं ट्राइवल. कई बार होता है कि ट्राइवल मैटर्स, कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ट्राइवल मैटर्स पे हमको डिस्कशन नहीं करना है, तिल का तार नहीं बनाना, तो वो क्या हो जाते हैं आपके? ट्राइवल मैटर्स हो जाते हैं. ट्राइवल मीन्स ऐसे मैटर्स जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए वर्थफुल नहीं है, वर्थलेस हो जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट. मिलिटेट मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा मिलिट्री. मिलिट्री इसी रूट से वर्ड से बना है. इसका मीन्स क्या होता है? फोर्स करना. जैसे आप फोर्स और इन्फ्लुएंस, किसी को आप फोर्स कर रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, इन्फ्लुएंस कर रहे हो. इन्फ्लुएंस क्या होता है? किसी को आप अपने तरीके से इफेक्टिव कुछ चीज़ों को ऐसा बोल रहे हो कि वो इन्फ्लुएंस हो जा रहा, आपसे प्रभावित हो जा रहा. ब्रिंग अबाउट एन इफेक्ट और चेंज, किसी में कोई भी चेंज ला सकते हो आप इफेक्ट, उस पर प्रभाव डाल के. जैसे हम आपसे बोलते हैं कि डेली आपको इंग्लिश पढ़नी है, अगर आप इस वीडियो को देख के इसके बाद इसके नोट्स बना लीजिए 30 मिनट्स, और एक बार उसको मॉर्निंग में रिवाइज कर लीजिए,
बस 90 मिनट्स अगर आप डेली दे रहे हो, 90 भी नहीं, अगर आप 60 मिनट भी डेली दे रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम आपकी बात कहेंगे आप तो सुनोगे नहीं। नहीं, इंस्टा की रील ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, बट एंटरटेनमेंट करने से, देखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। हमारा खुद का एक होना चाहिए ना, हमारी वैल्यू होनी चाहिए। हमारी वैल्यू के लिए क्या होगा, हम वीडियो को फुल देखेंगे, उसे कुछ वर्ड्स को सीखेंगे और इसका रिवीजन करके हम अपनी क्लास में अपने हमेशा सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे ना। तो ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, आप में कोई भी चेंज लाना, उसको क्या बोलते हैं, मिलिटेट। नेक्स्ट वर्ड मेलाइन। मेलाइन जो है आपका वर्ड बना है, इसका क्या होता है, इसका मतलब बैड। माल न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन मीन्स कहते हैं ना हमको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल रहा है, मींस अच्छा खाना मिल रहा है, हेल्दी खाना मिल रहा है। और माल न्यूट्रिशन मींस बुरा खाना, जैसे बोलते हैं ना जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गरीब मोस्टली होते हैं, जो बिलो पावर्टी लाइन होते हैं, उनमें कई बार माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। मतलब उनको जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, वो क्या हो जाता है, नहीं पूरा हो पाता है, तो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वही वर्ड है मेलाइन, मीन स्पीक अनफेवरली, किसी के बारे में अनफेवर में कुछ बोलना है, उसके बारे में बैड वर्ड्स बोलने हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलना है। नहीं, वो तो ऐसा नहीं करता, भले ही आपने देखा हो नहीं देखा, हमेशा उसके बारे में कैसा बोलना, अनफेवर में बोलना, उसके लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोलना, तो क्या हो जाएगा, मेलाइन। मेलेडिक्शन, डिक्ट मीन्स क्या होता है, डिक्टेट से बना है, जैसे कि इसका मीन्स होता है बोलना, और मेल मीन्स बुरा, तो हमने किसी के बारे में बुरा बोला उसको क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स, किसी को कोसना, कर्स मतलब किसी को अभिशाप देना। दैट इन्वोक्स एविल, एविल मीन्स जो भी क्या है उसके बारे में बुरा दिखाना। एनेथेमा, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, कर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इसका सिनोनिम हो जाता है। ये क्या होता है, किसी के बारे में ऐसा बोलना जो उसको अभिशाप दिखे, क्या हो जाएगा, मेले मीन्स बुरा, डिक मीन्स बोलना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसको क्या बोलते हैं, मेलेडिक्शन। मेलेवोलेंट, हैविंग और शोइंग और अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस ऑफ्टन विशियस एलविल स्पाइट और हेट्रेड, किसी से आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, आपके अंदर उसके लिए बुरी भावना, एलविल भी आपका सिनोनिम आता है एग्जाम में। विशियस, किसी के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना जो बहुत ज़्यादा गलत है, इंटेंस फॉर्म में उसका गलत है, एक लेवल ज़्यादा, मतलब जैसे आपका मेले वो ये वाला वर्ड है आपका मेलेडिक्शन, उसका भी ये क्या होता है, सुप्रीम लेवल क्या हो जाता है, किसी के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बहुत इंटेंस लेवल का अगर आप गलत बोलते तो उसको क्या बोलते हैं, मेलेवोलेंट। एक वर्ड है मेलेफिशियंट, हार्मफुल और इविल इन इंटेंट और इफेक्ट, ऐसा कुछ भी जो आपका इफेक्ट जा रहा है वो क्या है, हार्मफुल फॉर्म में। जब भी आप मेले वर्ड देखोगे उसका मतलब क्या हो जाता है, मेले मीन्स बैड, जैसे मेले एड्रॉइट, आपने लास्ट सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स क्या होता है, स्किलफुल। एड्रॉइट जो है आपका लैटिन लैंग्वेज में होता है, एड्रॉइट मीन्स होता है राइट हैंड, राइट हैंड आपका कैसा होता है, स्किलफुल। और यहाँ आगे वर्ड क्या लिखा है, मैलेड्रॉइट, मैल मीन्स बुरा, लैकिंग और शोइंग अ लैक ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना, क्या हो जाएगा इसका मतलब, निम्बलनेस। निम्बल मीन्स आलसी होना, एक तरह से सुस्त पड़ जाना। यूजिंग वन हैंड, जैसे आपका जो हाथ है वो उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, कई बार बोलते हैं ना ऑकवर्ड, ये दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, कई बार आपके हैंड के केस में और कई बार आपका जैसे कहीं पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपकी चीज़ें जो होती है आप जिस तरह से बोलना चाहते हो कई बार नहीं बोल पाते हो, या आप कुछ लिखना है तो नहीं लिख पाते हो, ऑकवर्ड जब आपको फील होता है उसके लिए होता है क्या होता है आपका, मेलेड्रॉइट। जो आपकी स्किल थी वो कैसी हो गई, वो वहाँ पर काम नहीं करी, बैड हो गई, आपका प्रेजेंटेशन खराब हो गया। नेक्स्ट है मैलिशियस, हैविंग द नेचर ऑफ, आपका जैसे नेचर होता है ना, किसी किसी का नेचर ही होता है कि सबके बारे में सिर्फ बुराई करना, कभी भी आप उनसे कुछ भी बोलो कि आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दोगे, उसमें भी आपको बुरा बोलना, दूसरों से भी जाके आपकी कंप्लेन करना, तो हमेशा क्या हो जाता है, वो उनके नेचर में ही आ जाता है, क्या चीज़, मैलिशियस होता है वो। नेक्स्ट है मेलाइज, फीलिंग अ नीड टू सी अदर सफर, इसी चीज़ की, किसी को लोगों को होता है कि नीड होती है कि हम दूसरों को सफ़र होते हुए, दूसरों को परेशान होते हुए देखें, कई बार होता है ना कि जो सुप्रीम होते हैं उनको ये लगता है कि ठीक है हम इसको परेशान होते हुए देखें, ये खाली कैसे बैठा है, ये शांत कैसे, जरा मुझे कुछ सोचने दो, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर ये वर्ड यूज़ हो जाता है आपका। नेक्स्ट है मेलोडी, एक होता है मेलोडी जो टॉफी होती है, मेलोडी मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका
धुन जिसको बोल सकते हैं एक तरह से, और मेलोडी क्या होता है, मेलेडी, MAL होगा, जब MAL होगा मीन्स बैड, एनी अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन, बुरी सी बुरी जो कंडीशंस हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, उसको बोलते हैं मेलेडी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेल एडजस्टेड, नॉट वेल एडजस्टेड, जब चीज़ें प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं होती हैं तो उनको क्या बोल देते हैं, नॉट वेल, वेल मीन्स अच्छा, और नॉट वेल मीन्स अच्छे से तरीके से एडजस्ट नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, मेल एडजस्टेड मीन्स चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। मेल कॉन्टेंट एज पर्सन हु इज डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टेंट मतलब अनसेटिस्फाइड, ऐसा पर्सन जो क्या है, सेटिस्फाइड ही नहीं है, क्या हो जाएगा, डिसकंटेंट और डिसगस्टेड, किसी भी तरह से वो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग रिजल्ट इन इंजरी और डैमेज, ऐसे प्रोफेशनल, यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस की बात कर रही है, तो प्रैक्टिस किस चीज़ की है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल रॉन्ग, जो ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशनली गलत काम करते हैं, डूइंग दैट रिजल्ट इन इंजरी, उसका जो रिजल्ट होता है वो किसी को इंजरी दे सकता है, कोई चीज़ों की डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड आ गया ना माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स किसी को हेल्दी खिलाना, और माल मीन्स क्या हो जाता है, बैड, तो क्या हो जाएगा, अ स्टेट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, जब आपको हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हेल्दी मीन्स जो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट वो ना मिलके क्या हो रही है, आपको बैड चीज़ें मिल रही है, आपको खाने का ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, कई बार ये आपका फास्ट फूड में भी इंक्लूडेड हो जाता है, फास्ट फूड इसीलिए मना करते नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम उससे भी आपको होता है, क्योंकि फिर आप हेल्दी खाना खाओगे नहीं, घर का खाना खाना चाहिए, इसीलिए घर का खाना और पढ़ाई करना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट बेनाइन, बेनाइन क्या हो जाता है, आपका वर्ड होता है गुड, किसी के लिए अच्छा, जैसे नॉट कॉजिंग और बीइंग कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी, किसी को भी किसी तरह की इंजरी नहीं पहुंचाना, आपके कारण किसी को भी इंजरी या फिर हर्ट नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं बेनाइन। और मेलाइन क्या हो जाएगा, आपकी वजह से ही किसी को इंजरी हो रही है, किसी को हर्ट हो रहा है, किसी के लिए आप बुरा बोल रहे हो, बैड वर्ड्स। बेनिग्नेंट क्या हो जाता है, नॉट कॉजिंग और बीइंग कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी, सेम मीनिंग ही होता है दोनों का, मीन्स अगर आपकी वजह से किसी को भी इंजरी या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बेनेडिक्शन, डिक मीन्स क्या होता है, डिक मीन्स बोलना, किसी को कुछ भी डिक्टेशन देना, अ प्रेयर, ऐसी प्रेयर कॉलिंग फॉर डिवाइन केयर, भगवान से अगर आप किसी तरह की हेल्प के लिए बोलते हो, डिवाइन मीन्स भगवान आके हमारी हेल्प करे, किसी को आशीर्वाद देना, किसी के लिए अच्छा बोलना कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो वो क्या हो जाएगा, जो वर्ड है आपका मे गॉड ब्लेस यू या भगवान तुम्हारा भला करे, वो क्या कहलाएगा, आपका बेनेडिक्शन कहलाएगा, क्या हो जाएगा, बेनेडिक्शन, अ प्रेयर कॉलिंग फॉर डिवाइन केयर, अगर आप डिवाइन प्रेयर के लिए प्रेयर करते हो उसको क्या बोलते हैं, बेनेडिक्शन। प्रोटेक्टिव और फेयर, अगर आप प्रोटेक्शन आपको चाहिए किसी तरह की, या फेवर चाहिए, या फिर क्या हो जाएगा, अगर आपको डिवाइन केयर, भगवान मेरे आके आप प्रोटेक्ट करो मुझे, मेरा कल एग्ज़ाम है तो आप मुझे प्रोटेक्ट करो, अगर मुझे किसी तरह का फेवर चाहिए, भगवान मेरी हेल्प करना, मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी फेवर हो जाएगा, भगवान मेरी रक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर, वन दैट हेल्प अनदर विद गिफ्ट्स और मनी, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी का अच्छा करते हो गिफ्ट देके, कि जैसे किसका एक बार होता है ना ज़रूरत होती है, हम उसको गिफ्ट के फॉर्म में देते हैं, वो तो ऐसे नहीं लेगा, तो आपने उसके लिए भला करने की कोशिश की ना, या फिर उसको पैसे दे दिए, ज़रूरत है नीडी है तो उसको हमने पैसे दे दिए। बेने मीन्स होता है गुड, बेने मीन्स अगर क्लास बोरिंग हो रही है तो जाके पानी पी लीजिए ठंडा ठंडा, लेकिन क्लास को स्किप आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें मैंने वो वर्ड लिए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को तो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट ये आपके एग्ज़ाम में ये वर्ड या इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड है, ये रूट वर्ड है आपके, इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड है आपको एग्ज़ाम में 110% मिलेंगे ही देखने को। तो बेने मीन्स गुड और मेल मीन्स बैड हो जाता है, तो आप जहाँ पर भी ये वर्ड देखेंगे वहाँ पे आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं कि कुछ भी उसके बारे में अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, और मेल मीन्स क्या हो जाएगा कि उसी के बारे में कोई भी बुरी चीज़ बोल रहा है। बॉन बॉन एक स्वीट होती है ना, जो आपने देखा होगा कई बार, बॉन बॉन एक स्वीट होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी का आप खाओगे ना मीठी चीज़ होती है, तो मीठा खा के आपको कैसा लगता है, बुरा लगता है या अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है मीठा खा के हमको, प्रसाद खा के अच्छा ही लगता है ना।
बोना फाइड, फाइड मीन तो होता है ट्रस्ट, फाइड मीन्स ट्रस्ट और बोना मीन्स क्या होता है गुड। जैसे कई बार होता है कि हमसे बोला जाता है हमें अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, सो दैट हम आप पे ट्रस्ट कर सकें कि आप वही पर्सन हो कि नहीं। हमें अपना आधार कार्ड के जेरोक्स शेयर कर दीजिए, अपने हमको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आपके रिटर्न पेपर चाहिए, उनकी जेरोक्स चाहिए। तो किस लिए चाहिए, उसको बोलते हैं बोनाफाइड, मीन्स हमें ये प्रूफ हो जाए हम आप पे ये ट्रस्ट कर पाए कि आप अच्छे इंसान हो कि नहीं। बींग एग्जैक्टली एज अपीयर, जैसे आप दिख रहे हो। आपने बोला कि मैं टीचर हूँ तो आपने बोला मेरी ये क्वालिफिकेशन है, आप ऐसे दिख रहे हो, ऐसे अपीयर हो रहे हो, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, पेपर्स चाहिए होते हैं, और एज क्लेम्ड ऑथेंटिक, जिस तरह का आप क्लेम कर रहे हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ, या आप अपने आप को ऑथेंटिक, इसका ये सिनोनिम हो जाता है, किसका, बोनाफाइड का सिनोनिम हो जाता है कि आप ऑथेंटिक हो कि नहीं हो। तो क्या हो जाएगा, फाइड मीन्स क्या होता है आपका ट्रस्ट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इनफिडल, फाइड मीन्स क्या होता है ट्रस्ट, इनफिडल क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज गॉड, एक ऐसा पर्सन जो भगवान पे विश्वास नहीं कि भगवान है कि नहीं, भगवान पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, भगवान के अस्तित्व में शक हो रहा है कि ट्रस्ट नहीं हो रहा, उस पर प्रॉपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा। इन मीन्स क्या होता है नेगेटिव, इन मीन्स आपका नेगेटिव होता है, और फाइड मीन्स ट्रस्ट, तो उसको इस बात का ट्रस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है इनफिडेलिटी, द क्वालिटी ऑफ बींग अनफेथफुल, किसी के लिए आप अगर फेथफुल नहीं रह पा रहे हो, वफादार नहीं हो, अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, फाइड मीन्स ट्रस्ट, अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा तो उसको क्या बोलेंगे, इनफिडेलिटी, द क्वालिटी ऑफ अनफेथफुल, जब कोई इंसान किसी के लिए, जैसे किसी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, तो जो आपका वहाँ के लिए आपका होना चाहिए इंस्टीट्यूशन, वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, भले ही आपको वो आपकी सैलरी दे ना दे, आपको इशू करे, कुछ भी करे, बट आपका रोल क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों के लिए हमेशा फेथफुल होना चाहिए, हमें हमेशा अपना 100% देना चाहिए। जैसे राइट नाउ हमारा क्या 100% है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, सबसे ज़्यादा स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका 100% है कि आप अपने वर्क को ऑनेस्टी से करें, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका फेथफुल हो जाता है, तो आपको अनफेथफुल नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीन्स इनफिडेलिटी, फाइड मीन्स ट्रस्ट। इसको आप एक बार नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है आप लिखिए, स्क्रीनशॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिखिए, क्योंकि लिखने से वो आपको लॉन्ग रन के लिए लर्न रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिक्टेट, डिक्ट मतलब बोलना, स्पीक, रूल एज अ डिक्टेटर, जो डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर कौन था, डिक्टेटर के नाम से ही आपको एक वर्ड याद आता होगा, कौन सा वर्ड, हिटलर। तो क्या हो जाता है, हिटलर क्या था, डिक्टेटर, वो बोलता था कि जो ये काम करना है मेरे को, ये काम चाहिए, तो वो ऐसा जो होता था ना। अ पर्सन, डिक्टेटर कौन होते हैं, अ पर्सन हु बिहेव्स, एक ऐसा पर्सन जो बिहेव करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, टायरनिकल, टायरनी मीन्स क्या होता है, आतंक होना, जिस तरह से बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करना, आक्रामक होना, उसका नेचर ही होता है कि बस हर बात में किसी को भी गुस्सा करना, आपने काम किया नहीं किया वो आप में हमेशा आपको एकदम सताता रहता है। टायरनी मीन्स याद कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन वर्ड में ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ टायरनिकल मैनर, एक इस तरह से बिहेव करना कि आपको परेशान करना, इशू क्रिएट करना। नेक्स्ट है डिक्टेशन, डिक्टेशन क्या होता है, डिक्टेशन में आपको कोई रिटन फॉर्म तो ले नहीं देते, कहते ना हम आपको डिक्टेट करेंगे, आपको लिखना है, तो डिक्टेट मीन्स हम बोलेंगे, डिक्टेट क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे। एंड अथॉरिटिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन, आपको कोई डायरेक्शन दी जा रही है, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, बोल के कि गो दिस वे, डू दिस थिंग, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है, डू समथिंग, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको कुछ काम करना, उसके लिए इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाएगा, बोल के दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेशन। प्रिडिक्ट, प्री मीन्स बोलिए, प्री मीन्स क्या हो जाएगा, पहले, और डिक्ट क्या हो जाएगा, बोलना। प्री मीन्स पहले, और डिक्ट क्या हो जाएगा, बोलना। प्रीडिक्ट क्या हो जाएगा, जो चीज़ आप पहले से बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीडिक्ट। प्री मीन्स पहले, और डिक्ट क्या हो जाएगा आपका, बोलना। जो चीज़ आप पहले से बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट, टेल इन एडवांस। कई बार बोलते हैं ना कि ये तो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे से पास हो जाएगा, तो कब पास होगा, हमने क्या किया, पहले से बता दिया ना, इन एडवांस, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मीन्स क्या हो जाएगा, पहले से बोलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिक्टाफोन,
डिक्टा मीन्स क्या होता है आपका, बोलना, डिक मीन्स बोलना, फोन मीन्स क्या हो जाएगा, साउंड, फोन से आपका क्या आता है, साउंड आती है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे, आवाज़। तो ये क्या ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टाफोन। आ टेप रिकॉर्डर एक ऐसा रिकॉर्डर जो क्या कर रहा है, दैट रिकॉर्ड्स एंड रिप्रोड्यूस डिक्टेशन, जो क्या करता है आपका रिकॉर्ड करता है डिक्टेशन को, बोलता भी है और उसको रिप्रोड्यूस करता है। आपने एक बार रिकॉर्ड करके उसमें सेव कर दिया तो उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टाफोन। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्रा मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट, और डिक्ट मीन्स बोलना, डिक्ट मीन्स स्पीक, किसी के बारे में कुछ बोलना। तो हमने कैसा बोला इसके बारे में, अगेंस्ट में जाके बोला, टू मेक एन एजर्शन दैट इज कॉन्ट्रेरी, किसी के बारे में ऐसा बोला है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो क्या है, कॉन्ट्रेरी, उसके अगेंस्ट में। टू मेड बाई अनदर, एक के बारे में दूसरा बोल रहा है और दूसरे के बारे में पहला बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बारे में कहते हैं ना, इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट, मीन्स उसके बीच में वाद विवाद चल रहा है। एक बार आपका वर्ड था ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन एक तरह से इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑल्टर मीन्स क्या होता है, अदर, और केशन मीन्स मैंने क्या बताया था, वर्बल डिस्प्यूट। अगर आप किसी से वर्बल डिस्प्यूट कर रहे हो बिना लड़ाई किए हुए, बिना हाथ पैर के अगर लड़ाई कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। कई बार आप बोलते हैं ना, भाई हम उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे, तो पीटते बिना, अगर आपने किसी को टच नहीं किया है, मारा पीटा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैक्ट्री। फैक्ट्री जो है आपका वर्ड, पेशियो से बना, मीन्स होता है टू मेक। फैक्ट्री में क्या होता है, कुछ चीज़ें ही बनती है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, फैक्ट्री मीन्स टू मेक। अ बिल्डिंग और अ सेट, एक ऐसी बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री भी एक बिल्डिंग ही होती है ना, और सेट ऑफ बिल्डिंग्स। कई बार होता है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाती है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फैक्चरिंग मीन्स बनाना, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई चीज़ अगर आप बना रहे हो। ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब क्या होता है, गुड मीन्स होता है अच्छा, और गुड्स मीन्स क्या होता है, कई बार आपको एग्जाम्स में ये एरर दे दी जाती है, होती बहुत छोटी सी एरर है, कई बार आपने ट्रक में भी लिखा देखा होगा गुड्स कैरियर, मीन्स गुड्स मीन्स होता है सामान, और कैरियर मीन्स ले जाने वाला, तो जो सामान को ले जाने वाला होता है, गुड्स मीन्स थिंग्स होता है सामान। क्या हो जाएगा, ऐसी चीज़ की बिल्डिंग या ऐसी चीज़ बिल्डिंग का सेट जो क्या कर रहा है, बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। गुड्स में कुछ भी सामान हो सकता है आपका। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, फैक्ट्री में मतलब फैशियो मीन्स बनाना, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग इनटू बीइंग बाय कंबाइनिंग, शेपिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को कंबाइन अगर आप कर रहे हो तो भी फैक्ट्री में कंबाइन किया जाता है। शेपिंग, किसी चीज़ को आप शेप दे रहे हो। ट्रांसफॉर्मिंग, अगर आप किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ट्रांसफॉर्म मीन्स उस एक शेप से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में फॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल। फेशियो या फिशियो क्या होता है, इसका मतलब बनाना। लैकिंग इन नेचर, नेचुरल चीज़, अगर वो लैकिंग मतलब कमी होना, तो क्या हो जाएगा, लैकिंग इन नेचुरल चीज थिंग्स और स्पॉन्टेनियस क्वालिटी, जो उसमें मेन क्वालिटी है, जो भी उसकी नेचुरल क्वालिटी है, उसमें क्या होना, कमी होना, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्या हो जाएगा आपका, फिशियो मीन्स किसी चीज़ को बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नहीं रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका वॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो आपका वर्ड बना है, वोलो से, मीन्स होता है विश। वोलो का, वॉलेंट्री का मेन वर्ड क्या हो जाता है, रूट वर्ड विश हो जाता है। डन, मेड और गिवन बाय वंस ओन फ्री विल। अगर आप स्वेच्छा से बोलते हैं ना कि वॉलेंट्री चूज करने, मीन्स आपको अपने मन से, आपको किसी तरह का कोई भी कंपल्शन नहीं होता, आपकी जो फ्री विल है, आपने अपने मन से जो चूज किया है, फ्री विल मतलब अपनी इच्छा से करना। सेल्फ इम्पोज, इम्पोज मीन्स होता है किसी चीज़ पे थोपना। सेल्फ मीन आपने अपने लिए किया, अपनी इच्छा से किया, उसको क्या बोल जाते हैं, वॉलेंट्री। वॉलेंटियर क्या होते हैं, उन पर्सन को बोलते हैं जो वो काम करते हैं। जैसे डन, मेड और गिवन बाई विथ ओन्स फ्री विल, अगर आप अपने तरीके से वो काम करते हो, अपनी इच्छा से करते हो, तो उस पर्सन को क्या बोल देते हैं, वॉलेंटियर। वॉलिशन, द एक्ट और पावर ऑफ मेकिंग वंस ओन च्वाइसेस, अगर आपके पास वो पावर है कि आप अपनी च्वाइसेस खुद बना सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूशन बोलते हैं। और डिसीजन, अपने डिसीजन या अपनी च्वाइस को आप खुद ले सकते हो, क्योंकि वोलो मीन्स क्या होता है, विश। नेक्स्ट वर्ड आपका प्लेकेट। प्लेकेट एक तरह से आपका वर्ड होता है, प्लैक से बना, इसका मीन्स होता है प्लीज, किसी को सूदी करना, मतलब
किसी को शांत करना, किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा एजिटेट हो रखा है उसको शांत करना, उसको बोलते हैं प्लेकेट। कॉज टू बी मोर फेवरली, उसके बारे में कुछ फेवर में बोलना। इंक्लाइंड गेन द गुडविल ऑफ, उसका कुछ भी भला कह के अच्छा बोल के उसके बारे में उसको शांत करना कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे बोला गया था ना किसी दूसरी कंट्री में कि शांत रहिए, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो वो कहाँ का डायलॉग था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका इम। इम मीन्स क्या होता है? नेगेटिव। इनकैपेबल ऑफ बींग प्लेकेट, किसी को शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एडामेंट। एडामेंट क्या होता है? एडामेंट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है जिद्दी। किसी को शांत कर पाना, किसी को चुप करा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कहते हैं ना ये तो बहुत ज़िद्दी है। कई बार होता है कि हमको फास्ट फूड खाना है, मना कर दो, नहीं फास्ट फूड तो अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, नहीं हमको तो खाना है बहुत टेस्टी होता है। तो वो कैसे लोग होते हैं? एडामेंट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेसिड। फ्री फ्रॉम इमोशनल और मेंटल एजिटेशन। आपके किसी भी, आपको किसी ने इमोशनली या मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, परेशान किया, कुछ भी आपके बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी बोला, उससे आप एजिटेट नहीं हो रहे हो, मतलब आप उससे भड़क नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, प्रोवोक नहीं हो रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे? औसेज। ये इसका क्या हो जाएगा? प्लेसिड का सिनोनिम हो जाएगा किसी को शांत करना। औसेज इसका सिनोनिम हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लिकेंट। हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी को अगर किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको लेके ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, न्यूट्रल हो चुका, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेंट। मतलब एकदम से बोल सकते हैं आप साधु संन्यासी बन जाना। हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी में किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना, उसके लिए कोई भी कंसर्न नहीं होना, परेशान नहीं होना, ना पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव वे में। नेक्स्ट है डोनर। डोनो मीन्स होता है टू गिव। डोनो मीन्स टू गिव, किसी को कोई चीज़ देना, उसको क्या बोलते हैं? डोनर। पर्सन हु मेक्स गिफ्ट, जो क्या करता है? आपको गिफ्ट देता है, डोनेट करता है ना, तो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं डोनर। नेक्स्ट डोनेट। गिव अ चैरिटी और गुड कॉज, किसी को आपने कोई चीज़ दी है दान में, तो ये नहीं कि वापस दे दो, मेरे कपड़े लिए तो वो तो मैंने ऐसे ही आपको डोनेट कर दिया, तो वापस कर दो, वापस नहीं करने होते, चैरिटी में आपने दे दिया कि मैंने जो दान में दे दिया। और गुड कॉज, या किसी अच्छे के लिए आपने वो चीज़ दी, उसको क्या बोलते हैं? डोनेट। कॉन्डोन क्या हो जाता है? टू डिसमिस एज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, कुछ कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लिटिल इंपॉर्टेंस दे के इसको छोड़ देना, एक्सक्यूज दे देना, अरे इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को हम यही रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।